हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्रता टेस्टी किचन। आज हम बनाने वाले हैं खस्ता प्याज की कचौरी। तो चलिए बनाते हैं खस्ता प्याज की कचौरी। अब सबसे पहले एक बॉल में हम लेंगे 1 कप मैदा। अब लेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, बट घी से कचौरी बहुत ही खस्ता बनती है, इसलिए मैंने घी लिया है। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ऐसी मुट्ठी बननी चाहिए। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो बना लेंगे। देखो, ये इस तरह से बनेगा। अब हम इसे ढक देंगे 15 मिनट के लिए। अब लेंगे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा। ये अब हमने जीरा डाल दिया है 1 टीस्पून। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको लो फ्लेम पे ही हमको भूनना है। अब डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। ये प्याज की कचौरी है, इसलिए हम इसमें प्याज डालेंगे। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हींग। हींग से बहुत ही अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, फिर डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और सबको मिक्स कर लेंगे। बस ये 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये 3 टेबलस्पून बेसन है। और इसको भून लेंगे। बेसन को हमें कच्चा नहीं रखना है, इसको अच्छे से भूनना है। वाओ, देखो फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा भून गया है।
अब डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून अब इसमें थोड़ी सी हम क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। बस अब इसको मिक्स कर लेना है। इसे हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। अब जो ये आटा हमने जो गूंद के रखा है मैदे का, उसको 2 भाग कर लेंगे। और उसके जो साइज आपको चाहिए वो साइज के हम ऐसे पीसेस कट कर लेंगे। इन सबको हम ऐसे कट कर लेंगे। आपको जो साइज की चाहिए वो साइज के आप छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। अब हमें इसे राउंड शेप देना है और हाथ में ऐसे इसको फ्लैट करना है। ऐसे हम अब एक कटोरी जैसे बनाएंगे। बीच में से हमें इसको मोटा रखना है, साइड से हमें इसे पतला करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम ये मसाला फिल कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें ऐसे पैक करना है। ये देखो, और इसकी अभी हम ऐसे चोच बना लेंगे। देखा, और इसको ऐसे फ्लैट कर देंगे। बस इसे बेलना नहीं है, बस ऐसे ही हाथ से हम इसको फ्लैट कर देंगे। अब सेम दूसरा भी वैसे ही कर लेना है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की कचौरी बनती है, बहुत ही खस्ता। आप इसे जरूर बनाएं और मुझे आप कमेंट्स में आप डालें कि आपको ये कचौरी कैसे लगी। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स मसाले में। देखो, ऐसे फ्लैट कर लेना है। देखा, अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसे तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस इसे ऐसे ही रखना, इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है। देखो, 5 मिनट के बाद ये ऊपर ऐसे फ्लोट होती है।
अब इसे हल्के हल्के हमें टर्न करना है। देखो फ्रेंड्स, ये 15 से 20 मिनट से इसको टाइम लगा है बनने के लिए और ये देखो बिल्कुल खस्ता बनी है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये कितनी खस्ता बनी है और बहुत ही टेस्टी है। वाओ, देखो देखो कैसा इसका चूरा।